राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मातम के 17वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। 16वें अध्याय में हमने बताया था कि कांचन मालिनी ने अपने माघ स्नान के पुण्य का फल देकर एक राक्षस को राक्षस योनि से मुक्त करा के देवताओं का स्वरूप प्राप्त कराया था। यदि आपने माघ मातम के पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा पसंद आने पर लाइक का बटन भी दबाइए। अब आगे की कथा शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में माघ मातम सुन रहे 88,000 ऋषियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मातम मैंने आपको बता दिया। अब मैं महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा महाराज दिलीप को कहे हुए माघ स्नान के फल और महात्म्य का वर्णन करता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में नियम पूर्वक किए गए स्नान के संपूर्ण पुण्य फलों के वर्णन की सामर्थ्य तो देवताओं में भी नहीं है। माघ स्नान समस्त यज्ञों, दानों और व्रतों से श्रेष्ठ है। समस्त श्रेष्ठ दानों से प्राप्त होने वाले फल माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, यह ब्रह्मज्ञानी के समान सदगति को प्राप्त कराता है। यदि घोरपात की मनुष्य भी मकर के सूर्य में माघ स्नान के पश्चात ईश आराधना करते हैं, दान करते हैं तथा अपने शेष जीवन में पापों से बचे रहकर शुभ कर्म करते रहते हैं तो वे समस्त पापों संतापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त करते हैं। हे दिलीप, माघ स्नान से मनुष्यगण पवित्र होकर मातृ पितृ कुलों के पितरों सहित उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में अरुणोदय काल का स्नान करता है वह पिता तथा माता के वंश के समस्त मनुष्यों का उद्धार करके सुंदर माला लेकर स्वर्ग जाता है। सदा के पापी दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने से सज्जनों की गति को प्राप्त होते हैं। संसार में पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे मनुष्य ब्रह्मवेताओं की दशा को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, माघ स्नान का पुण्य फल इतना अधिक है कि प्राचीन काल में एक समय राजा इंद्र के श्राप से कठिन दुख भोगती हुई गंधर्व कन्याएं भी माघ स्नान करके उस श्राप से मुक्त हो गई थी। माघ स्नान अग्नि की तरह सब पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। महर्षि वशिष्ठ जी के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर महाराज दिलीप ने प्रश्न किया, हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों शाप का भागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्रियां थी? उनकी कितनी संख्या थी तथा उनका क्या दोष था? माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया था एवं महर्षि लोमश द्वारा किस प्रकार उनके शापों का शमन हुआ, यह जानने की मेरी प्रबल जिज्ञासा है। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में कुबेर की अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करते थे। उनके नाम क्रमशः सुख संगीती, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम तथा स्वरवेदी थे। उन 5ों गंधर्वों के 5 कन्याएं थी। सुख संगीती की कन्या प्रसोदिनी, सुशील की सुशीला, चंद्रकांता की सुतारा, सुप्रेम के चंद्रिका तथा स्वरवेदी की कन्या का नाम सुस्वरा था। ये 5ों ही गंधर्व कन्याएं अतुलनीय रूप राशि से संपन्न थी तथा गायन वादन एवं नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण भी थी। जब वे यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन वादन तथा नृत्य प्रस्तुत करती थी संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर रह जाती थी।
एक बार वैशाख मास में पांचों गंधर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर वन में गई। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन हेतु कमल पुष्प तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उस सरोवर में स्नान भी किया। वस्त्र परिवर्तन रोली स्वर्णमयी बालुका से देवी पार्वती की प्रतिमा निर्मित की और रोली चंदन कुमकुम अक्षत कमल तथा परिजात पुष्पों एवं धूप दीप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन किया। गौरी पूजन के पश्चात उन्होंने प्रतिमा के सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य करना आरंभ कर दिया। गंधर्व कन्याओं का गायन वादन नृत्य में अंग संचालन तथा स्वर प्रबंध अत्यंत मनोहर था। जिस समय ये गंधर्व कन्याएं देवी पार्वती को प्रसन्न करने हेतु नृत्य एवं गायन कर रही थी, उसी समय वहाँ स्नान करने के लिए महर्षि वेदनिधि के पुत्र आग्नेय आ गए। आग्नेय अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्नेय ने मृग चर्म उत्तम यज्ञोपवीत तथा कटी में मेखला धारण कर रखी थी। जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा तो वे पांचों उनके रूप एवं प्रभा मंडल से सम्मोहित होकर उन पर आसक्त हो गई तथा विचारने लगी कि यह अतुलनीय सुंदर्यवान युवक कौन है। उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग कर उन्हें टकटकी बांधकर निर्निमेश नेत्रों से देखना प्रारंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित और काम पीड़ित होकर विचारने लगी कि कहीं यह रूपवान पुरुष कामदेव तो नहीं है। इस तरह से गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे। उन्होंने सोचा, यह चाहे कोई भी क्यों न हो पर ईश्वर ने यहाँ इसे हमारे निमित्त ही भेजा है। जिस प्रकार से सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार देवी भगवती पार्वती जी ने इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए ही भेजा है। यह तो हमारा वर है, वे आपस में कहने लगी। इसे मैंने वरा है। आपस में इस प्रकार चर्चा करती हुई वे गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगी। ऋषि कुमार आग्नेय ने जब गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार से चर्चा करते देखा तब उन्होंने क्या किया, यह सुनेंगे अगले अध्याय की कथा में। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये 17वां अध्याय समाप्तम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।